हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। कई मित्रों ने कमेंट किए कि सर हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म है, फीस स्लिप है और बायोमेट्रिक पर्ची खो गई है तो उन्हें वापस कैसे डाउनलोड किया जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी कारण ये वीडियो बनाना थोड़ा आवश्यक हो गया। इस वीडियो में आपको लाइव डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बराबर ही बने बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जीवीएनएल हेल्पर 2 से जुड़ी प्रत्येक खबर से रूबरू करवाया जाएगा। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। हमें सर्वप्रथम गूगल में जाना होगा। मैं गूगल में आ गया हूँ, ये गूगल है। और गूगल में आने के बाद ऊपर एक 3 डॉट्स बने हुए ऊपर, ये आपको यहाँ क्लिक करना होगा यहाँ पर। और आप यहाँ नीचे जाओगे, लिखा होगा डेस्कटॉप साइट, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। ये खुल गया कंप्यूटर की साइट का। और आपको यहाँ लिखना होगा JVV, ये लिखा हुआ मिल गया, JVNL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इन यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये क्लिक कर लिया, जो ये वाला क्लिक कर लिया। अब आपके सामने खुलेंगे इतने सारे लिखे हुए, सबसे ऊपर लिखा हुआ ये ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। JVNL ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं, हमने यहाँ क्लिक कर लिया तो हमारे सामने ये साइड खुल गई है JVNL की, JVNL हेल्पर सेकंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इसके ऊपर ये राइट साइड में लिखा हुआ है साइन इन फॉर एग्जिटिंग यूजर, ये वाला आपको दिख रहा होगा। ये वाला साइन इन फॉर एग्जिट यूजर, ये वाला आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर लिया और इसके सामने मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो हमें यहाँ पहले फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर है 70 69 37 8 और डेट ऑफ बर्थ है बंदे की 1996 मार्च और 6 मार्च। ये मैंने फिल कर लिए। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ है लॉग इन, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने खुल गया, एक गणेश कुमार नाम का अभ्यर्थी है, उसका ये फॉर्म खुल गया है। तो अब आपको इसे लिखा हुआ प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, यहाँ आपको क्लिक करना होगा। ये इसका फॉर्म खुल गया है। यह गणेश कुमार नाम का अभ्यर्थी है, सेकेंड फॉर्म भर रखा है, जोधपुर से इसने फॉर्म भर रखा है, इसका फॉर्म आपके खुल गया है। और इस अब ये तो आपके फॉर्म खुल गया। अब आपको पेमेंट की रसीद चाहिए, ये वाली आपको यहाँ मिल जाएगी, ये पड़ी, ये रही इसकी जानकारी। बस आपको कहीं नहीं खोजने की ज़रूरत है, आपको ये मिल गई। ये रहा भाई, इसने फॉर्म भरा था, इसके कुल 550 रुपये फीस निकली है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ये फीस की स्लिप है। और आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो नीचे लिखा हुआ है प्रिंट, ये वाला, यहाँ से आप फॉर्म का प्रिंट यूँ क्लिक करके प्रिंट सेव एज PDF फाइल में। अब आपको इस PDF फाइल में इसको सेव कर लेना यूँ, ये आपकी PDF फाइल में सेव हो जाएगी, ठीक है जी। और इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म और फीस स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगले वीडियो में आपको बायोमेट्रिक पर्ची को डाउनलोड करने की प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।